How to set OnePlus 7T height photo setting। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus की डिवाइस में फोटोज हाइट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फोटोज जो है उसको हाइड करना है, अगर आपको कोई फोटोज जो है छुपा देना है, तो आपको कैसे ये तरीका फॉलो करना होगा, कैसे फ़ोटोज़ को हाइड करना होगा, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई फ़ोटो हाइड करना है तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल हाइड कर पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा अपना गैलरी। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फ़ोटोज़ वगैरह सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कोई भी फ़ोटोज़ हो सकती है यहाँ पे, जो भी आप हाइड करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस फ़ोटो को हाइड करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखें, या फिर दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि ये व्हाट्सएप वाला फ़ोटो हाइड करते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड थ्री डॉट्स में क्लिक करते हुए मुझे हाइट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप हाइट करते हैं, हाइट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो फ़ोटो से वो हाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पहले तो ये बताते हैं कि आपके जो फ़ोटो से वो हाइट कलेक्शन पे जाएगा। तो कहाँ पे है हाइट कलेक्शन, आप नीचे पे ही दोस्तों देख सकते हैं, लिखा हुआ है हिडन कलेक्शन। ठीक है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, आपका जो फ़ोटोस आपने हाइड किया था वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका हिडन कलेक्शन। तो इसको आप यहाँ पे अनहाइड कैसे कर सकते हैं, मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आई बटन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बटन है, तो उसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका फ़ोटोज़ जो है वो अनहाइड हो चुका है। ठीक है, तो पहले तो मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, वही से सेम यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद दोबारा से हाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक करते हिडन कलेक्शन पे जाते और ये आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, अगर आपको कोई भी फ़ोटोज़ को हाइड करना है, अनहाइड करना है, तो आप यहाँ पे इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आई बटन दिखाई दे रहा है ऊपर में, वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अनहाइड फ़ोटोज़, तो हो गया यहाँ पे अनहाइड। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।